बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सी चीज है जो बर्फ से सफेद, रात से काली, खाना हराम है, पीना हलाल है, मर्द दिन में 3 दफा और औरत जिंदगी में 1 बार इस्तेमाल करती है। दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई? इसका सही जवाब है 20 साल बाद। जन्नत में लोग किस जुबान में बात करेंगे? इसका सही जवाब है अरबी जुबान में। किस पैगम्बर का नाम इसरा है? इसका सही जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया? इसका सही जवाब है जून 1967 में। जमीन और आसमान के तखलीक से पहले अल्लाह ताला का अर्श कहाँ था? इसका सही जवाब है पानी पर। उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरौन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अबू जहल को। जन्नत अल बकी में सबसे पहले कौन से सहाबी दफन हुए थे? इसका सही जवाब है हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे पहले कबूतर किसने पाला? इसका सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ रहते हैं? इसका सही जवाब है आसमान पर। रोजा की फर्जियत का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत मुबारक में आया है? इसका सही जवाब है सूरह बकरा में। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की पहली जंग किन के साथ हुई थी? इसका सही जवाब है मुनकरीन ज़कात के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक की जमीन के नीचे क्या है? इसका सही जवाब है महमूद। अल्लाह तआला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया? इसका सही जवाब है बुध के दिन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? इसका सही जवाब है आसमान पर। वो कौन सी चीज है जो बर्फ से सफेद, रात से काली, खाना हराम, पीना हलाल, मर्द दिन में 3 बार और औरत जिंदगी में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करती है? इसका सही जवाब है कब्रिस्तान। बर्फ से ज्यादा सफेद, रात से ज्यादा काली, अमाल अच्छे हों तो कब्र रोशन, जन्नत का बाग, और बुरे अमाल हों तो अंधेरी गुठरी, जहन्नम का गड़ा। अल हदीस। खाना हराम है या हलाल? जहर खाना हराम है, जाम में शहादत पीना हलाल। अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनके 4 निकाह एक ही शख्स की बेटियों से हुए थे? इसका सही जवाब है हजरत यकूब अलैहिस्सलाम। जो शख्स मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए उसे क्या कहा जाएगा? उसे मुर्तद कहा जाएगा। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा फरमाया? इसका सही जवाब है आग से। फिकी अल फुकहा किस सहाबी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को। मुर्दों को जिंदा करने का मौजजा किस पैगंबर के पास था? इसका सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।